देते हैं। महादेव का पानी ना ये कभी ला सकते ना ये कभी लाएंगे। इसलिए आज महादेव जल आंदोलन से एक नए संकल्प का आह्वान करने के लिए हम सब आपके बीच में आए। क्या है वो संकल्प? वो संकल्प ये है कि कांग्रेस की अगली सरकार जो आपके आशीर्वाद से बनेगी, कांग्रेस की अगली सरकार जो आपके आशीर्वाद से बेंगलोर की सत्ता में आएगी, उसकी पहली कैबिनेट की बैठक के अंदर 500 करोड़ रुपया देकर हम महादेव प्रोजेक्ट को चालू कर देंगे और 3000 करोड़ रुपया देकर इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। हुबली धारवाड़ के अंदर जहां 5-5 दिन 7-7 दिन पानी नहीं आता, जहां हमें, जहां हमारी बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को कई कई दिनों तक पानी का इंतजार करना पड़ता है, 24/7 वाटर सप्लाई जिसका वादा तो बहुत किया पर कभी सार्थक नहीं हो पाई, अगर उसको कोई कर पाएगा तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। और इस जन आंदोलन, इस जल जन आंदोलन के माध्यम से हम ये लेकर आए। साथियों, वो दिन आएगा और वो दिन अवश्य आएगा, वो दिन आएगा जब हुबली धारवाड़ से सरकार को बदलने की आप शुरुआत करेंगे। इसलिए आइए, मैं मेरी बात समाप्त करते हुए केवल ये कहूंगा, आइए एक संकल्प लेकर जाएं, आइए एक प्रण लेकर जाएं, और वो संकल्प और प्रण ये है कि जब तक हर नल से महादेव का पानी हुबली धारवाड़ के अंदर नहीं आएगा, भाजपा को चलता करिए, कांग्रेस को मौका दीजिए और हमें ये मौका दीजिए कि इस पूरे इलाके के अंदर एक एक 24/7 वाटर सप्लाई, बिजली, सिंचाई का पानी वो कांग्रेस करके दिखाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।